दोस्तों जैम पोर्टल पर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि देख रहे हैं, मैंने अपना जैम पोर्टल लॉगिन किया हुआ है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जैम पोर्टल को लेकर के मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं और उन सारी वीडियो के लिंक मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो हमने बनाई है ऑल डिमांड पर, कि जो जैम पोर्टल पर डैशबोर्ड पर हम जाते हैं और यहाँ पर आपको ऑल डिमांड जो मिलता है, बेसिकली हम इस पे बनाने जा रहे हैं वीडियो कि ये ऑल डिमांड जो है वो किस लिए होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑल डिमांड का जो ऑप्शन है, हम इसके बारे में बात करेंगे, इसका जो है यूज़ क्या होता है और ये जो है ऑल डिमांड किस काम आता है। और जब आप अपने डैशबोर्ड पे होते हैं तब वहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई देता है, जहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोडक्ट है, सर्विस ऑर्डर है, ऑल डिमांड है, बिल है, ये सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम ऑल डिमांड के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और जैम पोर्टल पर जब भी आप परचेजिंग करेंगे तो बहुत आपके काम आने वाली है। छोटी सी चीज़ है कि जब हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल जो ऑल डिमांड है ये कब काम आएगा, जब हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो दोस्तों होता क्या है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले उसको सर्च करते हैं। सर्च करने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं कैटेगरी है। कैटेगरी में क्या होता है कि यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब कि कंप्यूटर हो गया, ऑफिस सप्लाई हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, अप्लायंस हो गया, ऑफिस मशीन हो गई, बहुत सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएंगी जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन कई बार होता है हमें यहाँ लिख करके सर्च मारना होता है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मैं प्रिंटर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए प्रिंटर का एक ऑप्शन आ जाएगा, बहुत सारे प्रिंटर आ जाएंगे और वहाँ मुझे लेफ्ट साइड में क्या होगा कि मुझे यहाँ फ़िल्टर मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ लाल फ़िल्टर मिल गया ये, ताकि मैं अपने हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन है वो चूज़ करूँगा। यहाँ पे मॉडल क्या रहेगा, उसका स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा, किस कंपनी का रहेगा, वो सब मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा, ताकि जो यहाँ पे प्रिंटर आएगा वो मेरे हिसाब से आए, मेरे प्रोडक्ट मेरे हिसाब से आएगा। तो दोबारा से हम डैशबोर्ड पे जा रहे हैं। अब डैशबोर्ड पे देखिए यहाँ पे क्या होगा कि, तो अभी आप यहाँ देखिए ऑल कैटेगरी में हम प्रिंटर लिखते हैं और लिख करके डायरेक्ट एंटर में मारता हूँ, एंटर मारता हूँ डायरेक्ट। एंटर मारने पर क्या होगा कि हो सकता है प्रिंटर सारे खुल जाएंगे, या हो सकता है प्रिंटर की जगह ये देखिए कुछ और ही शो कर रहा है, यहाँ पे प्रिंटर का कार्ट्रिज शो कर रहा है। और सबसे मेन चीज़ क्या होगा कि जो फ़िल्टर मुझे यहाँ मिले थे लेफ्ट साइड में, वो फ़िल्टर नहीं मिल रहा है। तो ये प्रोडक्ट को सर्च करते समय ध्यान रहे कि अगर आप डायरेक्ट सर्च बार में लिख करके और सीधा एंटर मारते हैं तो आपको प्रोडक्ट सही से नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा फ़िल्टर लगाने का, अपना स्पेसिफिकेशन चुनने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अभी क्या करेंगे, जब हम प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट है उसके कुछ लेटर लिखेंगे या पूरा भी लिख सकते हैं, उसके बाद उसको थोड़ा छोड़ देंगे 2-3 सेकंड के लिए, और फिर हम देखेंगे कि हमें नीचे जो है और ऑप्शन अपने आप खुल जाएगा, मिल जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए मैंने यहाँ प्रिंटर, अब देखिए यहाँ नीचे मेनू बार में ये खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं इसमें से चूज़ करूँगा, इसमें से किसी एक पे क्लिक करूँगा जो कि मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जांपल हम प्रिंटर सर्च कर रहे हैं तो यहाँ कंप्यूटर प्रिंटर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि मुझे लेफ्ट साइड में मेरा जो है फ़िल्टर मिल जाएगा और मैं स्पेसिफिकेशन चुन सकता हूँ। ये देखिए ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन मुझे मिल जाएगा, मैं यहाँ से फ़िल्टर लगा सकता हूँ। तो ये तो होगी प्रोडक्ट सर्च करने की बात। अब दोस्तों चलते हैं हम सीधा ऑल डिमांड पे कि ऑल डिमांड क्या होता है। तो इसमें से कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं हम परचेजिंग के लिए, एक प्रिंटर हम सिलेक्ट करेंगे और फिर उसी को हम परचेज करेंगे, और परचेज करते समय हम दिखाएंगे कि ऑल डिमांड क्या होता है और कहाँ काम आता है। चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये 19,800 रुपये का प्रिंटर दिखा रहा है। इसको सिलेक्ट करने के बाद देखिए वही नॉर्मल तरीका, यहाँ बाय पे क्लिक करना है, डायरेक्ट परचेज करना है, और यहाँ पर हम अपना जो है नाम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ नाम सेलेक्ट करने के बाद देखिए ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है ये कार्ट में हमारे ऐड हो जाएगा। ये देखिए कार्ट में ऐड हो गया, यहाँ से हम प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें जो है डायरेक्ट परचेज पे क्लिक करना है, कंफर्म करेंगे और फिर यहाँ पे रीज़न लिख देंगे, जो भी रीज़न है आपका इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने का। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू। अब देखिए दोस्तों बस फाइनली यहाँ पे जो है ना ऑल डिमांड बस यहाँ पे काम आता है, हमारा जो ऑल डिमांड है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखिए
योर डिमांड नंबर इतना इतना हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, मतलब और हमारा जो डिमांड है वो सेव हो चुका है। अब क्या करना है हमें, किसी भी वजह से अगर हम इस परचेजिंग को किसी भी वजह से यहाँ रोक देते हैं, चाहे जानबूझ के, चाहे गलती से, या किसी भी वजह से हम यहाँ रोक देते हैं, तो ये क्या होगा, हमारे ऑल डिमांड में सेव हो चुका है एक तरह से। अब सेव हो चुका है तो उसका फ़ायदा क्या है कि नेक्स्ट टाइम हमें यहीं से प्रोसेस करने को मिल जाएगा, हमें दोबारा शुरू से प्रोडक्ट को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट को हमें ना तो सर्च करने की ज़रूरत है ना ही पीछे का जो प्रोसेस है वो करने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ तक आपको करा कराया मिलेगा, सेव रहेगा एज ए ड्राफ्ट, हम कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में कि एज ए ड्राफ्ट ये सेव है। कहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए ऑल डिमांड में जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखिए ये प्रोडक्ट जो है हमारा वो सेव है 19,800 रुपये का। अब इसमें दूसरा फ़ायदा ये है कि ये आज सेव कर दिया आपने, आगे आने वाले 10 दिन के बाद क्या होगा कि हो सकता है इसके प्राइस में थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाए या बढ़ जाए, तो अगर 10 दिन बाद आप परचेज करते हैं तो ऑल डिमांड में जाके यहीं से प्रोसेस डिमांड कर दीजिए और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है कि इसका जो प्राइस है वो आपके लिए चेंज नहीं होगा, ये आपको इसी प्राइस में मिल जाएगा। अगर ये बढ़ भी गया 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, तो आपको यही अमाउंट पे करना पड़ेगा, नया अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है, बट होता है ऐसा। दूसरी चीज़ ये कि फ़ायदा यहाँ पे ये है कि परचेजिंग का पूरा प्रोसेस आपका पूरा है, बस आपको यहाँ प्रोसेस डिमांड करना है और जो है परचेज कर लेना है। क्योंकि जेम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आज जो हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं, एक हफ्ते बाद जब दोबारा सर्च करते हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं मिलता है, उसको हम ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। तो जब आपको लगे कि प्रोडक्ट हमें इन फ्यूचर ख़रीदना है तो उसको आप डिमांड में सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ऑल डिमांड जो है वो क्या होता है और उसका कैसे यूज़ किया जाता है। बहुत एक काम की चीज़ है, आपके बहुत काम आएगा।